हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में कोई सेक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। आज के वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, एक नया अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इनकम टैक्स की साइट पर इस समय मैसेज फ्लैश हो रहा है कि 1 जून से लेकर के 6 जून तक, यानी कि 6 दिन के लिए इनकम टैक्स की साइट अवेलेबल नहीं होगी किसी भी वर्क के लिए, कोई भी ई फाइल करने के लिए या किसी भी नोटिस का रिप्लाई करने के लिए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये 6 दिन के लिए साइट को क्यों बंद किया जा रहा है? तो यहीं पर एक बहुत बड़ा अपडेट है। इनकम टैक्स की साइट को अपडेट किया जा रहा है। जो फिलहाल हम लोग यूज करते हैं इनकम टैक्स की साइट, इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in, जो हमारी साइट है इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए, उसे अपडेट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नई साइट लेकर आ रहा है और उस साइट का नाम होगा income tax gov.in। तो ये जो नई साइट है ये फंक्शनल हो जाएगी 7 जून से। साइट होगी income tax gov.in और इस नई साइट पर आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो फिलहाल हमारी करंट साइट पर अवेलेबल नहीं है। रिटर्न्स की प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट होगी और डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश की है कि इनकम टैक्स की साइट को काफ़ी हाई लेवल पर अपग्रेड किया जाए। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज हुआ है 20th मई, यानी कि कल थर्सडे को। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या नए फीचर्स होंगे इस नई साइट में। तो ये NDTV की न्यूज़ है और यहाँ पर सारे फीचर्स इन्होंने बताए हैं कि क्या क्या नए फीचर्स मिलेंगे आपको नई साइट में। तो देखिए, जो सबसे पहला फीचर यहाँ पर बताया गया है, पोर्टल को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न्स के लिए। मतलब कि अब आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग के लिए 2-3 महीने का वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही क्विक प्रोसेसिंग होगी। जैसे ही आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे वो प्रोसेस हो जाएगा और आपका रिफंड भी इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये था पहला फीचर। चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। दूसरा फीचर है ऑल इंट्रैक्शंस एंड अपलोड्स और पेंडिंग एक्शंस। जितने भी आपके इनकम टैक्स की साइट पर अपलोड्स हैं या कोई पेंडिंग एक्शंस हैं या कोई नोटिसेस के रिप्लाई हैं या कोई नोटिस आया है आपके पास, वो सभी कुछ आपको एक सिंगल डैशबोर्ड पर डिस्प्ले होगा, जिससे कि आप जैसे ही उस डैशबोर्ड को देखें आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए और आप एक्शन ले सकें। अभी फिलहाल क्या होता है कि हमें अलग अलग डैशबोर्ड्स पर जाना पड़ता है देखने के लिए कि क्या हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया है, हमारे क्या अपलोड्स हैं, हमारे कोई पेंडिंग एक्शंस तो नहीं हैं। तो ये सब कुछ हमें अलग अलग डैशबोर्ड्स पर मिलते हैं। अब जो नई साइट आएगी उसमें आपको सिर्फ एक सिंगल डैशबोर्ड खोलना होगा और वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस डिस्प्ले हो जाएंगी। बहुत बढ़िया फीचर था, सेकेंड फीचर है ये। इसके बाद थर्ड फीचर जो बताया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट ITR रोटेशन सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ये ऑनलाइन भी मिलेंगे और ऑफलाइन भी मिलेंगे। इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं। और बेसिकली ये फीचर उन लोगों के लिए लाया गया है जिनको कि इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है या जिन्हें सेक्शंस की नॉलेज नहीं है, तो वो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करके अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और ये ऑफलाइन भी अवेलेबल होगा। साथ ही इसमें यहाँ पर ये भी कहा गया है विद इंटरैक्टिव क्वेश्चंस टू असिस्ट टैक्सपेयर्स। तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि ज्यादातर लोग पूछा करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखकर अगर आपके भी कोई डाउट्स हैं तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। वहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर वो लेकर आएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप उसे फाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है रिटर्न फाइल करने की या उनको सेक्शंस नहीं पता है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा, आपके ITR को प्रीफिल कर देगा, आपके डेटा एंट्री एफर्ट को मिनिमाइज कर देगा। काफी अच्छा फीचर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट फीचर पर। तो नेक्स्ट फीचर क्या है कि यहाँ पर एक नया कॉल सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और ये जो नया कॉल सेंटर है काफी हाई लेवल का होगा, जहाँ पर कि आपके क्वेश्चंस को इमीडिएटली आंसर किया जाएगा। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कॉल सेंटर है, आप सब जानते ही होंगे कि किस तरह के प्रोफेशनल्स वहाँ पर होते हैं, कभी आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है कभी नहीं मिलता है, काफी हाईली क्वालिफाइड वो प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं।
तो ये जो नया कॉल सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेकर आएगा उसमें काफी अच्छे प्रोफेशनल्स के होने का वो दावा कर रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको चैट बॉक्स और लाइव एजेंट की फैसिलिटी भी दी जाएगी, जिससे कि आप फ्रीक्वेंटली उनसे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं। तो ये था दूसरा अपडेट कि एक नया कॉल सेंटर सेटअप किया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक मोबाइल ऐप भी लेकर आ रहा है, जिसमें कि वो सारे ही फंक्शंस होंगे जो आपको अपने डेस्कटॉप पर मिलते हैं ई फाइलिंग की साइट पर, वो सारे फीचर्स आपको उस मोबाइल ऐप में भी मिलेंगे। तो अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऐप के थ्रू फाइल करना चाहते हैं तो आप ऐप से फाइल कर सकते हैं, और अगर आप डेस्कटॉप से फाइल करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप से भी उसे फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, ऑल मेजर पोर्टल फंक्शंस ऑन द डेस्कटॉप विल बी अवेलेबल ऑन द मोबाइल ऐप विच विल बी इनेबल्ड सब्सिक्वेंटली फॉर फुल एनी टाइम एक्सेस ऑन अ मोबाइल नेटवर्क। एनी टाइम एक्सेस है, आप मोबाइल ऐप के थ्रू कभी भी कहीं भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सारे फीचर्स आपको डेस्कटॉप वाले उसमें मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा अपडेट है वो क्या है, एक नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम लेकर आएगा नया पोर्टल, जिसमें कि आपको अपना टैक्स पेमेंट करने के लिए मल्टीपल फैसिलिटीज मिलेंगी। आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, RTGS और NEFT के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, जिस भी तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आप अपने टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं। अभी तक हमें अपना टैक्स पेमेंट करने के लिए सिर्फ नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती थी, डेबिट कार्ड भी यहाँ पर नहीं था, और लेकिन अब डेबिट कार्ड भी उसमें ऐड होगा और साथ ही UPI पेमेंट्स भी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। UPI पेमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, मतलब कि आप पेटीएम से कर सकते हैं, आप फोन पे से कर सकते हैं, आप गूगल पे से कर सकते हैं, इसके अलावा आप RTGS भी कर सकते हैं, और आप नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है नई साइट से, जिसमें कि आपको मल्टीपल फैसिलिटीज मिलेंगी टैक्स पेमेंट के लिए। इसके बाद आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है, ड्यूरिंग द ब्लैकआउट पीरियड 1 जून to 6 जून, जो ब्लैकआउट पीरियड रहेगा 1 जून से 6 जून के बीच का, जिसमें कि आपकी इनकम टैक्स की साइट अवेलेबल नहीं होगी, वो वर्क नहीं करेगी, उसे नॉन फंक्शनल कर दिया जाएगा। तो इन 6 दिनों के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी कंप्लायंसेस फिक्स नहीं करेगा, कोई भी डेट फिक्स नहीं करेगा, क्योंकि इन 6 दिनों के अंदर साइट आपके लिए तो नॉन फंक्शनल होगी ही, साथ ही जो IT डिपार्टमेंट है उसके लिए भी ये साइट नॉन फंक्शनल हो जाएगी। जो भी नई हियरिंग्स हैं या जो भी नए केसेस हैं वो सब केसेस ऑपरेशनल होंगे 7 जून से। न्यू ई फाइलिंग पोर्टल विल बी ऑपरेशनल ऑन 7 जून। तो जो नई साइट है वो 7 जून से ऑपरेशनल होगी। और इसके बाद कहा गया है, हियरिंग ऑफ केसेस और कंप्लायंसेस विल बी फिक्स्ड ओनली फ्रॉम 10 जून। तो जो भी केसेस की हियरिंग है या फिर कंप्लायंसेस हैं वो सब 10 जून के बाद से स्टार्ट किए जाएंगे। ये 3 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है, 7 जून को साइट लॉन्च होगी और 10 जून से IT डिपार्टमेंट केसेस की हियरिंग शुरू करेगा। 3 दिन का समय दिया जा रहा है, जिससे कि टैक्स पेयर्स जो नई साइट है उसके साथ फेमिलियर हो जाएं, ठीक से समझ लें, साइट को देख लें, इसलिए वो 3 दिन का समय दिया जा रहा है। 10 जून के बाद से सारे कंप्लायंसेस स्टार्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर्स थे जो कि हमें नई साइट में मिलने वाले हैं, और आई होप कि नई साइट हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, नई साइट होगी incometax.gov.in। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी इसकी जानकारी हो जाए कि नई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साइट पर हमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।